हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अगर आप है बिहार में बीपीएससी से बहाल शिक्षक, चाहे आप TRE 1 या TRE 2 में हैं, या फिर जो है अभी सक्षमता परीक्षा दे करके राज्यकर्मी बनने वाले हैं, तो आप सभी के लिए यहां पे अगर बात करिएगा तो एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ निकल करके आ रहा है, जो कि आप जितने भी शिक्षक हैं उन सभी के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके बीपीएससी और साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक है जिनकी आयु 40 वर्ष से कम है, उनके लिए जो है यहाँ पर यह जो योजना अभी केंद्र सरकार के द्वारा लाया जा रहा है उस UPS पेंशन योजना के अंतर्गत, तो अब जो है यहाँ पर शिक्षकों का टेंशन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसमें पहले जिस तरह से NPS के बुराई की जा रही थी, उसके जगह पे केंद्र सरकार के द्वारा नया योजना लाया गया है जिसको UPS कहा जा रहा है। तो चलिए चलते हम इसको लेकर के अगले स्लाइड पे और आप लोग को पूरा डिटेल्स में दिखाते हैं, जिसमें आप लोग को पूरा डिटेल्स में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे अगर आप लोग आइएगा तो ये अश्विनी पांडे एक शिक्षक नेता है, उनके द्वारा एक पोस्ट किया गया है। उनके द्वारा जो बताया जा रहा है वो है, बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने NPS में किया बदलाव, अब UPS पेंशन योजना हुआ लागू, कम से कम 10,000 पेंशन सुनिश्चित किया गया। यानी कि आप जितने भी BPSC और विशिष्ट शिक्षक हैं उनको कम से कम 10,000 रुपया प्रति महीना जो है उनका पेंशन सुनिश्चित कर दिया गया है। 25 साल नौकरी करने वाले को पूरी पेंशन मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपकी आयु अभी जो है 35 वर्ष है और आप जो है 25 वर्ष बाद जो है आप रिटायर्ड करिएगा, तब जो है आपको जितना भी आपका सैलरी रहेगा उतना ही आपको पेंशन में मिलेगा। अब राज्यकर्मी बनने का मतलब समझ आएगा। कुछ दिन पहले मुझे बहुत गाली सुनाया गया था सक्षमता को लेकर, अश्विनी कुमार जी यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोग नियोजित ही रहने की सलाह दे रहे थे। राज्यकर्मी बनने का लाभ धीरे धीरे समझ आएगा। सबसे बड़ी बात, हम लोग सीधे मुख्य धारा से जुड़े हैं। 40 साल से कम उम्र के शिक्षक अब तो खुश होंगे। बिहार के नियोजित शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के लिए पालीगंज के माननीय विधायक मित्र डॉक्टर संदीप सौरभ और मार्कंडे पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये यहाँ पर अश्विनी पांडे जी यहाँ पे अपनी बातों को रख रहे हैं और वो केंद्र सरकार के UPS योजना को स्पष्ट कर रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पे अगर बात करिएगा, अगर आप लोग UPS योजना को सही ढंग से देखिएगा तो उसमें कई सारे चीज़ें हैं जो कि आप शिक्षकों के लिए काफ़ी लाभकारी होगा, जो आने वाले समय में आप लोग को देखने को मिलेगा। जिसमें यहाँ पर अगर बात करिएगा तो न्यूनतम जो है अगर बात करते हैं तो 10,000 रुपये तो आपको मिलना ही है। इसके अलावा अगर देखेंगे, अगर आप 25 साल तक जो है ड्यूटी करते हैं उसके बाद रिटायर्ड करते हैं तो आपको जो है पूरा का पूरा जो पेंशन है वो मिलेगा। और अगर बात करिएगा उसके बाद जो है, अगर आपकी किसी तरह की अगर मृत्यु हो जाती है किसी जो कर्मचारी हैं उनके, तो उनके परिवार को 60% यहाँ पे अगर बात करेगा तो पेंशन मिलेगा। 10 साल के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपया जो है उनका पेंशन 100% मिलेगा। कर्मचारियों के अंशदान नहीं करना होगा, केंद्र सरकार 18% अंशदान करेगी, कर्मचारी का अंशदान NPS की ही तरह 10% रहेगा। यानी कि आपका जो वेतन होगा और साथ ही साथ DA होगा उसका 10% जो है आप लोग को अपना देना है, बाकी जितने भी होंगे वो आप लोग को वेतन और DA का जो है उससे जो है आपका 10% कटेगा, और बाकी जितने भी पैसे हैं वो यहाँ पे अगर बात करिएगा तो जो केंद्र के कर्मचारी होंगे उनको केंद्र सरकार और जो राज्य के कर्मचारी होंगे उनको राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। हर 6 महीना की सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस DA का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। तो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। NPS अब जो है यहाँ पर खत्म हो चुका है और उसके जगह पे अब UPS आ चुका है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अगर आप है बिहार में BPSC से बहाल शिक्षक, चाहे आप TRE 1 या TRE 2 में हैं, या फिर जो है अभी सक्षमता परीक्षा दे करके राज्यकर्मी बनने वाले हैं,
तो आप सभी के लिए यहाँ पे अगर बात करिएगा तो एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ निकल कर के आ रहा है, जो कि आप जितने भी शिक्षक हैं उन सभी के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके बीपीएससी और साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक है जिनकी आयु 40 वर्ष से कम है उनके लिए जो है यहाँ पर यह जो योजना अभी केंद्र सरकार के द्वारा लाया जा रहा है उस यूपीएस पेंशन योजना के अंतर्गत, तो अब जो है यहाँ पर शिक्षकों का टेंशन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसमें पहले जिस तरह से एनपीएस के बुराई की जा रही थी उसके जगह पे केंद्र सरकार के द्वारा नया योजना लाया गया है जिसको यूपीएस कहा जा रहा है। तो चलिए चलते हम इसको लेकर के अगले स्लाइड पे और आप लोग को पूरा डिटेल्स में दिखाते हैं, जिसमें आप लोग को पूरा डिटेल्स में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे अगर आप लोग आइएगा तो ये अश्विनी पांडे एक शिक्षक नेता है, उनके द्वारा एक पोस्ट किया गया है। उनके द्वारा जो बताया जा रहा है वो है, बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने एनपीएस में किया बदलाव, अब यूपीएस पेंशन योजना हुआ लागू, कम से कम 10,000 पेंशन सुनिश्चित किया गया। यानी कि आप जितने भी बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षक हैं उनको कम से कम 10,000 रुपया प्रति महीना जो है उनका पेंशन सुनिश्चित कर दिया गया है। 25 साल नौकरी करने वाले को पूरी पेंशन मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपकी आयु अभी जो है 35 वर्ष है और आप जो है 25 वर्ष बाद जो है आप रिटायर्ड करिएगा, तब जो है आपको जितना भी आपका सैलरी रहेगा उतना ही आपको पेंशन में मिलेगा। अब राजकर्मी बनने का मतलब समझ आएगा। कुछ दिन पहले मुझे बहुत गाली सुनाया गया था सक्षमता को लेकर, अश्विनी कुमार जी यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोग नियोजित ही रहने की सलाह दे रहे थे। राज्यकर्मी बनने का लाभ धीरे धीरे समझ आएगा। सबसे बड़ी बात, हम लोग सीधे मुख्य धारा से जुड़े हैं। 40 साल से कम उम्र के शिक्षक अब तो खुश होंगे। बिहार के नियोजित शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के लिए पालीगंज के माननीय विधायक मित्र डॉक्टर संदीप सौरभ और मार्कंडे पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये यहाँ पर अश्विनी पांडे जी यहाँ पे अपनी बातों को रख रहे हैं और वो केंद्र सरकार के यूपीएस योजना को स्पष्ट कर रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पे अगर बात करिएगा, अगर आप लोग यूपीएस योजना को सही ढंग से देखिएगा तो उसमें कई सारे चीज़ें हैं जो कि आप शिक्षकों के लिए काफ़ी लाभकारी होगा, जो आने वाले समय में आप लोग को देखने को मिलेगा। जिसमें यहाँ पर अगर बात करिएगा तो न्यूनतम जो है अगर बात करते हैं तो 10,000 रुपये तो आपको मिलना ही है। इसके अलावा अगर देखेंगे, अगर आप 25 साल तक जो है ड्यूटी करते हैं उसके बाद रिटायर करते हैं तो आपको जो है पूरा का पूरा जो पेंशन है वो मिलेगा। और अगर बात करिएगा उसके बाद जो है, अगर आपकी किसी तरह की अगर मृत्यु हो जाती है किसी जो कर्मचारी हैं उनके, तो उनके परिवार को 60% यहाँ पे अगर बात करेगा तो पेंशन मिलेगा। 10 साल के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपया जो है उनका पेंशन 100% मिलेगा। कर्मचारियों के अंशदान नहीं करना होगा, केंद्र सरकार 18% अंशदान करेगी। कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की ही तरह 10% रहेगा, यानी कि आपका जो वेतन होगा और साथ ही साथ डीए होगा उसका 10% जो है आप लोग को अपना देना है। बाकी जितने भी होंगे वो आप लोग को वेतन और डीए का जो है उससे जो है आपका 10% कटेगा और बाकी जितने भी पैसे हैं वो यहाँ पे अगर बात करिएगा तो जो केंद्र के कर्मचारी होंगे उनको केंद्र सरकार और जो राज्य के कर्मचारी होंगे उनको राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। हर 6 महीना की सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। तो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। एनपीएस अब जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और उसके जगह पे अब यूपीएस आ चुका है। धन्यवाद।